जी दोस्तों, आपको गड़गड़ाहट तो सुनाई दे रही होगी और सामने दिखाई भी दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे गांव में ओलावृष्टि नहीं हुई थी। और पुराने ज़माने से एक बात चली आ रही है कि हमारे गांव में हल्की फुल्की होती है बाजरे के दाने के समान, लेकिन आज जो है ऊपर वाले ने ऐसा जो है एक ओलावृष्टि की है गाँव में। अभी तक तो बचे हुए थे, बाकी जगहों से भी जो है किसान भाई भेज रहे थे हमारे पास कि भी हमारे लोकेशन पर जो है ओलावृष्टि ज़्यादा हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, या हरियाणा के दूसरे कोनों की बात करें, या पंजाब की बात करें। लेकिन आज अपनी लोकेशन पे जी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के अंदर, तो आप सामने देख रहे हैं बहुत ज़ोरदार बारिश के साथ एकदम से टूटड़ा करके जो है बारिश हुई है। और अभी तक तो फसल बची हुई थी हमारे एरिया में, गेहूँ की फसल ज़्यादा लगती है यहाँ पर। लेकिन आज की जो लोकेशन है, क्योंकि अब तो खेत में जो है जाया भी नहीं जाएगा, कल को देखेंगे, तो उम्मीद तो यही है जी बिल्कुल तहस नहस होगी होगी सारी चीज़ें, जिस तरीके से ओलावृष्टि हो रही है। आपको गड़गड़ाहट सुनाई भी दे रही होगी, कितनी ज़ोर से एकदम से बारिश आई और किसान यहीं पर आकर हार जाता है। जो किसान भाई हैं इस सिचुएशन को, मेरे को ही पता है जी, क्योंकि हम भी किसान हैं, कि कैसे फेस किया जा सकता है। खेत में फसल खड़ी है, फसल पकी हुई है, और ऊपर वाले ने ये ओलावृष्टि कर दी। कुछ नहीं किया जा सकता, पता है नुकसान होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार है उसको तो डॉक्टर के पास ही ले जाएं, लेकिन फसल को कहाँ लेके जाएं। तभी तो कहने में आता है कि किसान को कुदरत की मार सबसे ज़्यादा मारती है, और फिर भी किसान इतना कमेरा एक वर्ग है कि बार बार उभर कर आता है, फिर उसी तरीके से मेहनत में लग जाता और कुदरत की जो मार है वो फिर से फार्मर को, किसान को उभरने नहीं देती। तो ओलावृष्टि आप देख सकते हैं जी, एकदम से बारिश कम है और ओले ज़्यादा आए हुए हैं, हर एक जगह पर आए हुए हैं। तो यही है जी कि जहाँ पर भी ओलावृष्टि हो तो सरकारें सहायता करें, किसान को आर्थिक सहायता पहुँचाए, ताकि भाई इस नुकसान से थोड़ी बहुत भरपाई की जा सके। बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर फसल के भरोसे ही फार्मर रहता है, कोई साइड इनकम का सोर्स नहीं होता है, पशुओं से भी वो सोर्स नहीं निकाल पाता, और पशुओं का भी चारा भी खेत में ही होता है। तो ऐसी बारिश में मेरे हिसाब से सारी जगह जो भी फसल है नष्ट हो गई होगी जी। तो है तो बड़े खेद की बात, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते, इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर की जी। आज हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, सामने आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी एक मूसलाधार बारिश के रूप में जो बारिश आई, और इतनी सारी ओलावृष्टि तो आप देख सकते हैं। तकरीबन 3 मिनट 10 सेकंड की वीडियो मैंने आपको दिखाई है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होया होगा खेतों में, कल को देखेंगे जी। उम्मीद तो यही है कि कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि फसल जो दाने थे वो झड़ जाएंगे बालियों से, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा जी। तो बड़े दुख के साथ ये वीडियो शेयर की है जी।